हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं आपके सामने पार्टिसिपल का पास्ट पार्टिसिपल में स्टार्ट करूंगा, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, सिंथेसिस का सीरीज चल रहा है इंटरमीडिएट या अन्य कई ऐसे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर का सीरीज चल रहा है। तो आप सभी लोग कैसे हैं? एक बार फिर से आप सभी को गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी वे में आप सभी को समझ में आने वाला है पास्ट पार्टिसिपल। हमने पिछले वीडियो में आपको पार्टिसिपल में सिंथेसिस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं, हमने आपको सारे के सारे डिटेल्स में बताया हुआ है। और साथ ही साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को सिंपल सेंटेंस में कैसे चेंज किया जाता है, कैसे बदला जाता है, हम वो वीडियो बना चुके हैं। यदि आप मिस कर दिए हों, यदि आप ना देखे हों, तो अभी तुरंत आप इस वीडियो को देखने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे और सारे के सारे वीडियो पड़े हुए हैं। एक एक टॉपिक का, एक एक चैप्टर का हमने वाइज में बनाया हुआ हूँ, आपको अच्छे से समझाया हुआ हूँ, तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं और अपने स्टडी को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं आज का पास्ट पार्टिसिपल, जो बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही धमाकेदार क्लास है, बहुत ही इजी वे में आपको बताऊँगा। आप अपने स्टडी को पूरा करिए देव क्लासेस से जुड़ करके। तो चलिए देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा। आज का जो टॉपिक है वो है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल हम लोग पढ़ेंगे आज पास्ट पार्टिसिपल। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल बता दिया है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं, ठीक। तो पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं। चलिए पहले हम यह जानते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है। हमने आपको बताया था कि पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल यानी वह वर्ब जो सेंटेंस में वर्ब का भी काम करता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो आज पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब जो होगा, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होगी, वो पास्ट पार्टिसिपल का काम करेगा। यानी हम लिख सकते हैं कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसका जो हिंदी होता है वो होता है हुआ, हुए, हुई, ठीक है, हुआ, हुए, हुई। इस प्रकार से इसके हिंदी अर्थ को आप जब हिंदी अर्थ निकालेंगे तो इस प्रकार से लास्ट में आता है हुआ, हुए, हुई, इस प्रकार से इसका हिंदी अर्थ निकलता है। तो ठीक, हमने क्या कहा कि पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। आप कहेंगे सर वर्ब एडजेक्टिव? हाँ भाई, वर्ब आज एडजेक्टिव का काम करेगा, उसी को तो बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे कि पास्ट पार्टिसिपल का कैसे चेंज करेंगे सिंपल सेंटेंस में, सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिए, पहले इसके रूल्स को देख लेते हैं, एक आध दो पॉइंट है रूल्स। अभी आप हो जाइए तैयार मेरे साथ, कलम और कॉपी लेकर के लिखिए, जस्ट लिखिए। क्या है भाई इसके रूल्स, क्या कहते हैं इसका रूल्स? पहला जो रूल्स है, ये रूल्स कहता है पास्ट पार्टिसिपल यानी दोनों सेंटेंस, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अलग अलग रहेगा, क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा, ठीक है। दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग रहेगा, यही तो इसकी पहचान है। दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग, पहले सेंटेंस में किसी और व्यक्ति के बारे में, दूसरे सेंटेंस में किसी और व्यक्ति के बारे में, यही तो इसकी पहचान है कि दैट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। सेकंड, कैसे इसको हम सिंपल में बदलते हैं, ये तो पहचान हो गई, कैसे बदलते हैं ले लीजिए। सेकंड रूल ले लीजिए, क्या कहता भाई? लगता है पास्ट पार्टिसिपल का, पास्ट पार्टिसिपल का, पास्ट पार्टिसिपल का सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, बनाने के लिए दूसरे सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस,
दूसरे सेंटेंस के मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, को लेकर पहले सेंटेंस के नाउन के पहले, किसके पहले, नाउन के पहले रख देने से बन जाता है। ठीक है, ये हो गया इसका नियम। क्या हमने कहा कि पास्ट पार्टिसिपल को जब आप सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल में भी दो दो सेंटेंस देते थे तो इसमें भी दो दो सेंटेंस देगा। पहचान कैसे होगी, पहले वाले में किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, दूसरे वाले सेंटेंस में किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट डिफरेंट रहेगा। यही तो इसकी पहचान है। इसके पीछे वाले में प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल में सेम सब्जेक्ट थे, तो वहाँ मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से बताया था कैसे आप उसको पहचान लेंगे और कैसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसकी पहचान भी हो गई, इसका रूल्स क्या है, कैसे आप इसको चेंज करेंगे। तो हमने क्या कहा कि पास्ट पार्टिसिपल को सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए जो दूसरा सेंटेंस होगा, दो सेंटेंस देगा ही, दूसरा सेंटेंस होगा वहाँ से मेन वर्ब को उठाएंगे और फर्स्ट सेंटेंस के नाउन के पहले लिख देते हैं, उसको उठाएंगे और नाउन के पहले लिख देंगे, बस आराम से आपका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, चुटकियों में बन जाएगा, चुटकियों में। तो देखिए कैसे एग्जाम्पल्स लेते हैं आपके सामने, एक से एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है वैसे भी एग्जाम्पल्स लेते हैं, तो हो जाइए तैयार मेरे साथ। चलिए लेते हैं पहला एग्जाम्पल्स, क्या कहता है भाई पहला एग्जाम्पल्स, आई फाउंड माई पर्स। ठीक है, द पर्स वाज लॉस्ट। ठीक है, क्या कहा, आई फाउंड माई पर्स, मैंने अपना पर्स पाया, द पर्स वाज लॉस्ट, पर्स खो गया था। तो हमने कहा डिफरेंट सब्जेक्ट होगा, पहले में आई मेरे बारे में बात हो रहा है, दूसरे में पर्स के बारे में बात हो रहा है, तो हुए ना डिफरेंट सब्जेक्ट। जब डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाएंगे दैट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल, और जब उसको आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, हमने क्या कहा सेकेंड सेंटेंस के मेन वर्ब को किसको लेंगे, मेन वर्ब को लेंगे और फर्स्ट सेंटेंस के नाउन के पहले लाकर उसको रख देते हैं और इस प्रकार से आपका सिंपल सेंटेंस बन जाता है। तो कैसे बनेगा देखिए, बन जाता आई फाउंड माई, बस उसी को उठाएंगे, इसके पहले रखें, हमने क्या कहा पर्स आपका नाउन है, नाउन के पहले रखना है, तो लॉस्ट पर्स हो गया, लॉस्ट पर्स, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, क्या मैंने अपना खोया हुआ पर्स पाया, मैंने अपना खोया हुआ पर्स पाया। ठीक है, दोनों को हमने क्या किया, ज्वाइंट कर दिया, जोड़ दिया, यही तो है सिंथेसिस। सेंथेसिस में होने होता क्या होता है, वाक्यों को जोड़ना, तो आपको दो सेंटेंस को जोड़ दिए। ठीक है, नियम के माध्यम से, रूल्स के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से। चलिए अगले लेते हैं, अगला एग्जाम्पल्स क्या है भाई, अगला एग्जाम्पल्स आई सा अ सोल्जर, ही वाज वुंडेड, वह क्या था, ही वाज वुंडेड। ठीक है, आई सा सोल्जर, मैंने एक सिपाही को देखा, ही वाज वुंडेड, वह घायल था। हो गया ना डिफरेंट सब्जेक्ट, यानी यहाँ पे आई के बारे में, यहाँ पे ही के बारे में बात हुआ कि नहीं हुआ, डिफरेंट सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल, बना लेंगे आराम से, बना लेंगे आप लोग। कैसे बनेगा भाई, बहुत आराम से बन जाएगा, तो हो जाएगा आई, यही आपका है, ये आपका मेन वर्ब है, बस यहाँ से उठाएंगे इसको, तो हो जाएगा आई सा अ, उठाएंगे इसको अ उंडेड सोल्जर,
अ वुंडेड सोल्जर, आई सा अ वुंडेड सोल्जर, इस बार से बन जाता है। चलिए अगला एग्जांपल्स लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स क्या भाई, आई फाउंड माय शर्ट, आई फाउंड माय शर्ट, आई फाउंड माय शर्ट फुल स्टॉप, द शर्ट वाज लॉस्ट, द शर्ट वाज लॉस्ट, सॉरी द शर्ट वाज लॉस्ट। तो कैसे इसका हो जाता है भाई, ध्यान दीजिए आप सभी लोग, तो बन जाएगा, कैसे बनेगा इसका, बन जाएगा आई फाउंड माई, बस लॉस्ट को उठाएंगे माई के बाद यानी नाउन के पहले, सॉरी माई लॉस्ट, लॉस्ट शर्ट, ठीक है बन गया, आई फाउंड माई लॉस्ट शर्ट, मैंने अपना खोया हुआ कमीज पाया, ठीक है पाया। अब देखते हैं ये तीन हो गए, चौथा यहाँ पर लेते हैं, कौन सा लेते हैं भाई, यानी कि हम यहाँ पर लेंगे चौथा एग्जाम्पल्स, यहाँ पर लेंगे चौथा एग्जाम्पल्स क्या कर रहा है, आई सा ए गर्ल, आई सा ए गर्ल, आई सा ए गर्ल, ठीक है आई सा ए गर्ल, सी वाज कैरिंग ए बास्केट, सी वाज कैरिंग ए बास्केट, आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, सी वाज कैरिंग ए बास्केट, वह टोकरी ले जा रही थी, ठीक है। तो आप दोनों को जोड़ देंगे तो क्या देंगे, मैंने एक टोकरी ले जाते हुए लड़की को देखा, टोकरी ले जाते हुए लड़की को देखा, ठीक है। आप आराम से बना लेंगे, कैसे बनेगा भाई इसका, बन जाएगा आई सा, आई सा ए गर्ल कैरिंग ए बास्केट, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना है ना, हाँ, लेकिन सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। आई सा गर्ल कैरिंग अ बास्केट, आप चाहे तो दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं आप, ठीक है। आई सा कैरिंग अ बास्केट अ गर्ल, आप ऐसे भी बना सकते हैं, सेंटेंस गलत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी बन जाएगा आपका। लेते हैं एक और एग्जाम्पल्स लेते हैं, क्या एग्जाम्पल्स है भाई, लास्ट एग्जाम्पल्स आपके सामने है, आई फाउंड माई पेन, क्या हो जाएगा, आई फाउंड माई पेन प्लीज स्टॉप, इट वाज लॉस्ट, आई फाउंड माई पेन, मैंने अपना कलम पाया, इट वाज लॉस्ट, वह खो गया था। तो कैसे बन जाएगा, आराम से बनाएंगे, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, ठीक है, क्या बन जाएगा, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, ठीक है। इस प्रकार से आपका पास्ट पार्टिसिपल सेंथेसिस में सिंपल सेंटेंस में कैसे बदलते हैं, ये आपका छोटा सा वीडियो था, ये पार्ट था, आपका फिनिश हो गया। मैं एक ही बार लास्ट में कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे इस वीडियो पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि देव क्लासेस के साथ जुड़ करके अपने पूरे ग्रामर पोर्शन का मैं तैयारी कर सकूं अच्छे से, तो अभी जस्ट आप सब्सक्राइब करें, तुरंत बेल आइकन को प्रेस करें और अपने मित्रों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अभी जस्ट तुरंत सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करना ना भूलें, ताकि हर एक बच्चा आपका, हर एक मित्र, हर एक फ्रेंड्स आपका पढ़ सके और अपने स्टडी को पूरा कर सके। तो चलिए आज क्लास ओवर करते हैं, जय हिंद।